वार्ष्णेय इंटरनेशनल स्कूल एफिलेटेड टू CBSE बोर्ड। प्ले ग्रुप से क्लास 9 तक हर कक्षा में एडमिशन ओपन। कम फीस में बेहतर शिक्षा। 3 विद्यार्थी पर 1 फीस माफ। RO पानी की सुविधा। CCTV कैंपस बस की भी सुविधा उपलब्ध। आपके नौनिहालों का रखा जाएगा पूरा ख्याल, क्योंकि यह स्कूल नहीं शिक्षा का मंदिर है। समय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। वार्ष्णेय इंटरनेशनल स्कूल केशव धाम मंदिर के पास, लोहवन मथुरा। फरुखाबाद। फतेहगढ़ कोतवाल नहीं लगा पा रहे दबंगों पर लगाम। भोलेपुर चौकी के सामने जमकर हुई मारपीट। रंगदारी का विरोध करने पर दबंगों ने भाजपा नेता के साथ की मारपीट। दबंगों ने भाजपा नेता के साथ मारपीट कर होटल में तोड़फोड़ कर सामान बाहर फेंका। घायलों का आरोप, दबंगों ने तमंचे की बट मार दिया घायल, तानी रिवॉल्वर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को किया हिरासत में। घायल को जिला अस्पताल लोहिया में पुलिस ने कराया मेडिकल परीक्षण। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में कर्नलगंज पुलिस चौकी के सामने का है मामला। भाजपा नेता के साथ दबंगों ने होटल में मारपीट कर सर फोड़ा। फरुखाबाद पुलिस चौकी के सामने भाजपा नेता के होटल पर संघर्ष हो गया, जिसके चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें भाजपा नेता भी गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मौके से 3 को हिरासत में लिया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में कन्नगंज चौकी के लगभग सामने भाजपा नेता पूर्व नगर महामंत्री गौरव कटियार का होटल है। गौरव का आरोप है कि शनिवार शाम लगभग 7 बजे उनके होटल पर अनिल गुप्ता पुत्र मुन्नालाल गुप्ता, मनोज, विजय, रामदास आदि निवासी भोलेपुर एक ठेली वाले से रंगदारी लेते हैं। जब गौरव ने विरोध किया तो आरोपी हमलावर हो गए और होटल का सामान सड़क पर फेंक दिया तथा दमनचे की बट से सर पर हमला किया, जिससे नाक पर गंभीर चोट आई है। मारपीट के दौरान लेखपाल ने जान से मारने की नीयत से अपनी रिवॉल्वर निकालकर तान दी। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं भाजपा नेता के होटल पर भाजपा नेता के साथ हुई घटना की सूचना मिलने पर मंडल महामंत्री शिवम दुबे, भाजपा नेता गुंजन अग्निहोत्री, दीपक दुबे आदि लोग मौके पर आ गए। उन्होंने पुलिस चौकी जाकर पुलिस से वार्ता की। मामले पर फतेहगढ़ कोतवाल JP पाल ने मौखिक रूप से बताया कि दुकान को लेकर विवाद हुआ था, मारपीट हुई, अभी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपका गौरव कटियार, पूर्व महामंत्री। कहाँ के रहने वाले हैं? भोलेपुर थाना फतेहगढ़। अच्छा, क्या घटना हो गया आपके साथ? भोलेपुर में एक लड़का है कुलदीप, वाल्टनी का रहने वाला है, वो पापड़ी का ठेला लगाता था भोलेपुर में कई वर्ष से लगा रहा, गरीब आदमी, रोज कमाने कमाने वाला। तो बगल में उसकी दुकान पर ना अनिल गुप्ता जब्बू है, वो अनावश्यक रूप से उसे परेशान करे, उसकी दुकान हटवा दी। तो उसने मुझसे बोला, मैं पहुँचा था। कहाँ पे दुकान है इसकी? भोलेपुर क्रॉसिंग फुटपाथ पे लगा। हमने कहा गरीब आदमी, उसकी मदद करो यार, उसको तुम्हारा तो पक्का काम चल ही रहा। इसी रंजिश में वो शाम को 30-35 लोग आए, बोले ये हम वो हमको 200 रुपये देगा तो हम लगाएंगे, नहीं लगाएगा ये सब कह के मारपीट की। आपके साथ भी मारपीट की? हाँ, हमारे साथ। अच्छा, तो दुकान पे तोड़ फोड़ की। अच्छा, आपकी दुकान पे भी तोड़ फोड़ की? तो क्या दबंग लोग हैं? हाँ। अच्छा, सपा तो के आए थे लोग हैं। अच्छा, सपा में दाल गल नहीं गई तो हम स्त्री भी घटना। अच्छा, तो दबंग ही कर रहे हैं। अच्छा, तो इस मामले में आपने पुलिस सूचना दी है? हाँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की कुछ? मेडिकल कराकर मुकदमा पंजीकृत करने का। अच्छा, अभी। अच्छा, गिरफ्तारी किसी को अभी तक? 3 लोग हिरासत में हैं। अच्छा, हिरासत में।